हम जब तक ये खिलियों पर खड़े थे आप सभी की नजरों में मर्द थे ना। हमारी नसबंदी की बात सुनते ही आप सभी की नजरों से हम गिर गए का। अभी हमारी खिली उड़ाने आई है का? मैं तो तुम्हें जॉब देने आई हूँ, जाकर मेरे ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। हम का ये नौकरी की बहुत जरूरत थी। सिर्फ डकार ही नहीं, इस दवाई वाले जूस को पीकर अब सच भी बाहर निकलेगा। मेरे घर में चोरों के लिए जगह नहीं है। तो फिर इस घर से पहले आपको जाना चाहिए, क्योंकि चोरी आपने की है। ए दुल्हन, तुम हमका अम्मा का दर्जा देती हो ना, तो अभय के अभी इका हाथ पकड़ के इका घर से बाहर निकाल दो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तरह बर्ताव करने की? माफी मांगे उससे चाहिए। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? माफी नहीं मांगेंगी आप? नहीं। तो इस घर से निकल जाइए। सही सुना आपने, अगर आप माफी नहीं मांग सकती ना, तो ये घर में आपकी कोई जगह नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा। अखिलेश जी, आप होश में तो हो ने? आपको पता है आप क्या कह रहे हो? हम अच्छे से जानते हम का कह रहे हो। हम बिल्कुल होश में ही रहती जी। हमारी अम्मा ने हमका ये सिखाया है कि हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन घर के बड़ों से कभी बड़े नहीं हो सकते। और अगर हमारी पत्री बड़ों का आदर करना नहीं जानती, तो की घर में कौनू जगह नहीं। हम तुमका बड़ों का आदर करना सिखाए थे बिटवा, लेकिन एक बात सिखाना भूल गए। अगर अखिया नीचे रास्ता चलोगे ना, ठोकर ही खाओगे। माना कि औरत मरमा बड़ी है, लेकिन ई आदर के लायक ना ही यही बात तुम कब समझोगे? रही बात दुल्हन की, भई मां दुल्हन का कौन दोस्त नहीं है। हम दुल्हन को आदेश दिए थे कि देवीना का हाथ पकड़ो, तू का घसी के घर से बाहर निकाल दो। ठीक है, बावजूद भी अगर तुम चाहते हो कि देवीना से माफी मांगी जाए, हम मांगते हैं माफी। नाना मोटी बा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देसाई हूँ, मुश्किल समय में रिश्ते निभाना मैंने भी अपने पापा से सीखा है। मुझे माफ कर दो नानी बा, आपसे छोटे होने के बावजूद आपसे बदतमीजी की, भूल थी गई। इरावती जी आपसे माफी मांग रही, मामू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, उसका माफ कर दीजिए। आखिर तुमने भी अपना सौतेलापन दिखाई दिया ना ग्लू बेटे। क्या बोल रही आप मां? तुम्हारी बीवी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे बच्चों के सामने मेरे ही घर से मुझे बेइज्जत करते हुए, घसीटते हुए बाहर फेंकने की कोशिश की, और तुम कहते हो कि इतनी आसानी से मैं उसे माफ कर दूं? क्या ये सौतेला बिहेवियर नहीं है? लेकिन मामी, खातिर तो हम उनका बोले आपसे माफी मांगने के लिए। ये कोई खाने में कम ज्यादा नमक डालने बराबर मिस्टेक नहीं है कि सॉरी बोल दिया और हो गया? नहीं माम, आप मैं तुम्हारी बीवी को सिर्फ तब माफ करूंगी जब इसे इसके किए की सजा मिलेगी। अगर यही हरकत उसने तुम्हारी मॉम के साथ की होती, तुम्हारी मॉम का हाथ पकड़कर तुम्हारी आंखों के सामने उसने उन्हें घसीटते हुए तुम्हारे ही घर से बाहर फेंकने की कोशिश की होती, तो तुमने क्या किया होता? क्या तुमने इरावती के गाल पर कसकर एक तमाचा नहीं मारा होता? मेरी इंसल्ट की सजा भी यही है। ब्लू बेटे, मैं चाहती हूं कि तुम इरावती के गाल पर कसकर एक तमाचा मारो।
बहुत ध्रुव बैठे कह रही है आप माम? अब बस यही कसर बाकी रह गई अखिलेश जी, अब आप थप्पड़ भी मार ही दीजिए। सोच क्या रहे हो? तुम कभी फील नहीं कर सकते कि एक बेटे पर क्या गुजरी होगी जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को बेइज्जत करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। What happened, mom? आप रो क्यों रही हैं? Daddy! ये लड़की मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। एडी, मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मॉम को घसीटते हुए अपने ही घर से बेइज्जत करके कोई बाहर निकालने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? मैं उस लड़की को उसकी औकात दिखा दूंगा मॉम। से उखाड़ के रख देंगे हम। मॉम, हमने इरावती जी को आपसे माफी मांगने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपका अपमान हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने केवल हमारा दुलार देखा है, हमें सनक गई ना तो हमका झेल नहीं पाओगे तुम। लेकिन ग्लू बेटे, तुम अभी तो मेरा साइड ले रहे थे, तो सडनली क्या हुआ? हम आपका पक्ष अवश्य ले रहे थे मां, क्योंकि हम जानते हैं जिस दलदल में पिताजी ने आपको डाला है ना, वो मैं आपका दोस्त नहीं, लेकिन ये का मतबली नहीं कि आप हमारे ही सब्र का बांध तोड़ते हैं। जिस तरह से आप अपने दिल में हमारी अम्मा और हमरे लिए नफरत लेके घूमती है ना, ये हमका पता है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि हम आंखें मूंद कर घूम रहे, हम अंधे नहीं। ऑफ कोर्स ग्लू बेटे, मैं इमोशनल फूल हूं, ऐसी जज्बातों में बह गई। आई रियली प्रॉमिस आज से लाइन क्रॉस नहीं होगी। पुष्पा तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हर किसी के घर में होते हैं, यू नो, छोटे बड़े। चलो, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तुम भी थके होगे, चलो। पम्पकिन, अच्छा किया गुल्लू जो पक पक को कायदे में रहने की चेतावनी थी, लेकिन एक बार फिर से कह रहे, इमा दुल्हन का कौनो दोस्त नहीं है। दूसरों का पक्ष लेने से पहले एक बात याद रखना, हमारी हिम्मत बनने के लिए तुम्हारे बापू कभी वो हमारे साथ नहीं थे। राम बापू नहीं अम्मा, आज पहली बार गुल्लू और दुल्हन के बीच मां लड़ाई हुई, वो भी हमरे कारण। मुरली मनोहर, इन दोनों के बीच में कभी बैर नहीं आने थे। जानबूझकर ऐसे करेंगे क्यों? Oh my God, congratulations! तुम्हारा दिमाग अभी वापस चलने लगा? नीचे क्या हो गया था? हाँ, नीचे क्या हो गया था? सच्चाई 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 सच्चा
मॉम यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को हो क्या गया था। I'll show you क्या हो गया। Mom, wait, I think I know हमें क्या हुआ था। क्या हुआ? शायद उस गवार ने हमें उस आमरस में कुछ मिला के पिलाया था। Remember? What the fuck was आमरस? Sid, I think you are right. तभी वो इतने insist कर रही थी वो आमरस पीने के लिए। Correct. Damn this bloody whisper and her dulhan. इजाफती। अब मैं उन्हें दिखाती हूँ मजाक कैसे चखाते हैं। अब क्या करोगे आप मॉम? Just wait and watch. ये अखिलेश की बायोकेमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कुछ तो केमिकल लोचा जरूर है उसमें। कभी मुझ पर बरस पड़ता है, कभी मुझे घर से निकालने की धमकी देता है, या और दूसरी तरफ अगर कोई मुझ पर भड़के तो उसका हाथ मरोड़ देता है। रिसर्च के लिए ना परफेक्ट स्पेसिमेन है ये। ध्यान से सुनेगा और हम जो कहने जा रहे हैं ना उनका विनती भी समझिए और चेतावनी भी। दोबारा ये घर में कौनो उपद्रव नहीं मचाएगा। हम भी जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। अगर आपकी नजरों में माम का दोष है तो शायद वो दोषी है। हमरे यहां आने से पहले हमरी माम का भी सुखी परिवार था, खुशहाल परिवार था, लेकिन हमारे पिताजी की कप्ताई की वजह से एक ही झटके में उनका संसार बर्बाद हो गया। वो सब छीन गया जे पर उनका अधिकार था। अगर उनकी जगह पर आज आप होती ना तो आपके भी मन में छल कपट का अंकुर फूट जाता। तो अगर आपको ये लगता है कि उनका दोष है तो उनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन आइंदा से हमारे परिवार में कोई दखल अंदाजी मत करिए। और भूल चुकी है का, एक बार हमारा ऑपरेशन हो जाए फिर आप अपने रास्ते हम हमारे रास्ते, फिर का ही बखेड़ा खड़ा कर रही है? तो भगवान के लिए आपको जो कुछ भी बोल है कुछ बुझी कि नहीं? अरे हमका जवाब तो दीजिए। वैसे तो कैंची की तरह आपकी जबान चलती है, अब काहे चुप है? हीरा जी, आपको ये बात का एहसास तो हो रहा है ना कि आपने नीचे जो कुछ भी किया वो गलत था। ये घर पहले से माम का था, है और हमेशा रहेगा। माम को ही घर से बाहर निकलने का विचार आप अपने मन से निकाल दीजिए। तुम बैठ के राइट साइड सोते हो या लेफ्ट साइड? मुझे राइट साइड सोना पसंद है। का लेफ्ट राइट का रायता फैला रही है आप? ये लेफ्ट साइड है। दुनिया का सबसे यूजलेस इन्वेंशन है ये स्ट्रेस बॉल। हाथ दुखने लग गया लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा। अरे हम का हवा से बतिया रहे का? आजकल गुल्लू बहुत गुस्सैली हो गया है। उसके गरम दिमाग को ठंडा करने के लिए एक ही उपाय है, हिम्मत का कुल्फी। अरे वाह, अभी तक दरवाजे पे ही टंगी हो? हाँ,
अच्छा इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कुल्फी लेकर आई हो अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है हाँ बालबा मुझे कॉल आया हाँ युद्ध महाविश्व युद्ध मोरे मोरे गंगा मैया अभी अभी ग्लू बेटे ने ईरावती को इतना डांटा कि बस कभी भी ईरावती बहू ग्लू बेटे पे एटम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होने वाली है ब्लास्ट मतलब फटने वाली है नहीं नहीं हमें दुल्हन जो है बहुत संस्कारी वो अपने पति पे नहीं चिल्ला सकती लाइक सीरियसली फाइन वेट एंड वॉच काम डाउन दीजा काम डाउन इसकी हरकतों की वजह से तो अपना बीपी मत पड़ा अभी पांच सेकंड में जब अपनी संस्कारी बहू को अपने ग्लू बेटे पे चिल्लाते हुए सुनोगी ना तब मानना ही पड़ेगा मैं काउंट करती हूँ एज यूजुअल फाइव लाफ्टर थेरेपी फोर थ्री टू वन माता आ गई क्या आपके अंदर गिनती रहो तुम्हारी उल्टी गिनती जो है हमें सामरा भलाई करती है तुम यही लटकती रहा ना क्या माता मुझ में नहीं कमरे में आई है कितने मजा किया वो आप तो ये देखो हम वहां नीचे परेशान थे कि गुल्लू और दुल्हन के बीच में कौनो झगड़ा चल रहा है और ये हंसो का जोड़ा यहाँ खिलखिला के हंस रहा है अरे मोटी बा इनसे तो नाराज हो ही नहीं सकते आपको गुल्लूड़ा इतना मजा किया है ने गुल्लूड़ा ये भी बहुत अच्छा है हाँ मामू कहा है कि हाँ हम भी इरावती जी का मुरझाया हुआ चेहरा देख नहीं सकते तो एक दो चुटकुले सुना दिए बस यूं ही ऐसे ही जिंदगी भर हंसते खेलते रहना चाहे दुनिया वाले तुम्हारे फुकाई करे ना करे One sec, why are you looking at me like, why are you looking at me? काय मी आ रहे हो, हाँ? ये लो कुल्फी और इन दोनों को खिलाओ। वो कहा है ना, तुम्हारी माम को ये एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई है। ये बात से ये ठंडी ठंडी कुल्फी तुम दोनों के लिए लाई है, हाँ? मैंने... अरे खिला? अरे खिला आओ? Oh my God! ओरी मोरी गंगा मैया ये क्या कर दिया गिराई दी ना कुल्फी मैंने अब क्या करेंगे अबे कहीं कुल्फी और है भी नहीं ये लो तुम दोनों एक ही कुल्फी से खा लो है? ले लो ले लो नहीं एक दूसरे का झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है खाओ खाओ हम गुल्लू के बाप के साथ ऐसे ही खाया करते थे एक्सक्यूज मी अरे खाओ ना पिघल के ठंडाई हो जाएगी खाओ 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 वो सब ठीक है अम्मा ये देखिए ईरावती जी शर्मा रही है ना कोरी मोरी गंगा मैया शर्मा रही हो दुल्हन कौन बात नहीं हम पलट लेते तुम भी पलट जाओ व्हाट द हां पलटो पलटो हो गया कर लिया लाइक सीरियसली इतनी जल्दी ई का कहते प्रेम चलो ई बात पे ई दुल्हन हूं हमारे साथ खेलो हाई फाइव कैसा है क्या कहती हो इका हाई फाइव हाई फाइव कितनी स्वीट फैमिली है तुम लोगों की बिल्कुल इस कुल्फी की तरह यू नो मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी कहाँ हो जाएगी क्या कह रही है अच्छा चलेगी चलो हमें गुल्लू को अपने हाथों से खिलाओ हम भी तो देखें अरे ना नहीं हम खा चुके हैं रात का समय हो गया मीठा नहीं खा सकते और हमरे दातून करने का भी समय हो गया ही बाकी की बची हुई ईरावती जी खा लेंगी ठीक है हम जाते हैं अम्मा अरे गुल्लू ले लिया गया अरे तुम खाओ खाओ अच्छी नहीं लगी अच्छी है अच्छा ये बिटिया एक तो बात बताए हमरे गुल्लू को और कौन महिला से नजदीकियों की आदत नहीं है बिटिया वो दूसरों से थोड़ा अलग है बहुत प्रेम से संभाला है हमने उनका अब तुम्हारे हवाले हैं तुम ही सींचना
लेकिन तुम धीरे धीरे समझ जाओगी उका का अच्छा लगता है का नहीं, कब खुश होता है कब नाराज होता है, सब सीख जाओगी धीरे धीरे। उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा ना मोटिवा। टाइम काहे लगेगा, हम है ना, हम छोटी छोटी चीज गुल्लू के बारे में तुमका बताएंगे, चिंता ना ही करो। मसलन अभी देखो ये मालिश का तेल है, हमरे गुल्लू को रोज रात मालिश करके सोने की आदत है और जिस दिन मालिश ना ही करता ना वो दूसरे दिन चिड़चिड़ा हुआ आता है। जब भी हमरा बिटवा तुमका परेशान करे ना उसे रगड़ के मालिश करो, देखना कैसे बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते हुए उठेगा। ये बिटिया बहुत हो गया ना आज, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम भी बहुत थक गए। ओरी मोरी गंगा मैया, जिस काम के लिए आए थे वही भूल गए। बिटिया कल सुबह तुमका जल्दी उठना है। हाँ क्यों मोटी बाब, कल कुछ खास दिन है? खास बात ही तो है कल तुम्हारी पहली रसोई है बिटिया, सब तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाएंगे। ठीक है सो जाओ। मुझे तो अदरक और लहसुन के बीच का फर्क नहीं पता और मुझे खाना बनाना है वो भी पूरे घर के लिए। हे भगवान, अब ये कैसे करूंगी।